डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 6। आई नो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक की आवाज आ रही होगी और साथ ही साथ मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ, कहीं जा रही हूँ यार। एक्चुअली घर पे ना टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी वीडियोस बनाने का, सो अभी मैंने कहा टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं। ऑन द रोड हूँ इस वक्त, मैं दिल्ली में हूँ तो ऑन द रोड हूँ। मैंने सोचा आपके साथ वीडियो ही शेयर कर देते हैं, डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 6। अभी तक का आपने पार्ट 1-5 अगर देख लिया है और घर में से क्या क्या खाली किया है तो मुझे आपने इंस्टाग्राम पे बताना है बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर क्लिक करके। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एज अ ग्रेटिट्यूड आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मुझे अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर सेंड कीजिए ऑफ द स्पेस दैट यू हैव डीक्लटर्ड इन योर होम आफ्टर सीइंग द डीक्लटरिंग ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो अभी तक आपने मुझे वो भेजा है कि नहीं भेजा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई जस्ट वांट टू इंक्लूड दोज फोटोज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर प्लस योर नेम्स। आई वांट टू गिव यू गाइज अ शाउट आउट सो दैट यार जो भी हम लोगों को आगे देख रहे हैं उन लेडीज को, उन सबको आगे मोटिवेशन मिले और वो भी अपना घर अच्छे से डीक्लटर कर पाए और उनके भी सर से थोड़ा सा बोझ उतर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 6 As requested by you all। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होम ट्वीक्स की जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज तभी तक चलती रहेगी जब तक आपके कॉमेंट्स में आता रहेगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। सो तभी तक मैं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे कितना ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है इस वीडियो के लिए, डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज के लिए, बिकॉज घर में मेडिकल सिचुएशन भी है। मैं घर पे इस तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, पॉसिबल भी नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता है, पूरा दिन निकल जाता है मेरा। जहाँ मुझे टाइम गैप ज़रा सा भी एक टाइम गैप मिलता है ना, वहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आई होप आप इसको माइंड नहीं करेंगे एंड आप इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 6, जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया है। पार्ट 6 में हम लोग, आपको देखो कुछ हॉर्न की आवाज आने वाली है, मैं रोड पे हूँ तो आपको कुछ आवाजें तो आएंगी। पार्ट 6 में हम लोग इस बारी डीक्लटर करने वाले हैं अपने घर का सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड स्पेस। कौन सा स्पेस है? अभी की अभी वीडियो पॉज करो और मुझे नीचे कमेंट में बताओ। कमेंट करा, चलो अब मैं बताती हूँ भाई वो रिडल का आंसर क्या है। वो स्पेस का नाम है स्टोर रूम। आपके घर में कोई ऐसा कमरा होगा, कोई ऐसी जगह होगी, कोई ऐसी अलमीरा होगी जो कि एज अ स्टोर रूम काम करती होगी। हर घर में होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या फिर फुल रूम हो, कोई एक ऐसा स्पेस हर घर में होता है जो कि एज अ स्टोरेज, एज अ स्टोर काम करता है। आज हम उसी को क्लीन करने जा रहे हैं दिवाली से पहले। आपको ये भी बिल्कुल अच्छे से करना है सो दैट आपका घर अच्छे से दिवाली रेडी 101 हो और वहां पे अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो। करना क्या है आपको भाई, सबसे पहले तो जाले उतार दो वहां के, और अगर खिड़कियां दरवाजे कुछ भी हैं, कबर्ड है तो कबर्ड थोड़ी देर खोल के रखो, अच्छी हवा वेंटिलेशन उसमें होने दो। सेम वे कमरे के लिए भी खिड़की दरवाजे सब कुछ खोलो, झाड़ो उनको अच्छे से, गीले कपड़े से उनको अच्छे से साफ करो, एक रब दो उनको और सनलाइट अंदर आने दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सनलाइट को अंदर आने दो। बातें मैं आपको बताती जाती हूँ, साथ में मैं आपको रोड भी दिखाती जाती हूँ। अब जिनको नहीं पता, ये है दिल्ली का 12 पुल्ला ब्रिज। सो हम इसी पे से निकल रहे हैं, मैं अपने को कम दिखाती हूँ और थोड़ा आज रोड ज्यादा दिखा देते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। आज हम बात कर रहे थे स्टोर रूम की। भाई स्टोर रूम एक ऐसी जगह होती है ना घर में जो हम सबसे छुपा के रखते हैं और सबसे ज्यादा गंदा रखते हैं। हर किसी के घर में ये सिचुएशन होती है। मेरी मम्मी के घर में अभी इस तरीके की सिचुएशन है, मेरे घर में ऐसी सिचुएशन है नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरा स्टोर रूम देख रखा है जो कि मैंने आपको डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में दिखाया था मेरा स्टोर रूम कैसा है। आपने अभी तक वो सीरीज पूरी फॉलो नहीं करी है देन आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, अदरवाइज प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। स्टोर रूम में हमारे पास होती हैं गोदरेज की मेटल की बड़ी बड़ी अलमारियां, जिनके नहीं है वेल डन, जिनके हैं उनको अलमारियां भी अंदर से क्लीन करनी है। साथ में हम अपने स्टोर रूम में क्या क्या नहीं रखते हैं भाई, जितना कबाड़ घर का होता है ना, जो हमें समझ में नहीं आता है वो हम स्टोर रूम में भर देते हैं बिना देखे, बिना सोचे समझे कि हमें वो आगे चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। टूटी हुई चीज़ें कुछ होती हैं, जैसे कि किसी का एक हैंडल निकल गया, हमने वो स्टोर रूम में किसी लफाफे में डाल के रख दिया। कुछ चप्पल का कुछ टूट गया, वो चप्पल हमने मोची से ठीक करानी है, हमने लफाफे में डाल के स्टोर रूम में रख दी। इस तरीके की बहुत
बहुत चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक का कितना सामान होता है कि यार इसको ठीक कराएंगे, जब ठीक कराएंगे तब तक इसको स्टोर रूम में छोड़ देते हैं, और वो टाइम कभी आता है नहीं आता। अगर वो आपने चीज़ें ठीक करानी है, आप उनको इमीडिएट बेसिस पे ठीक करा के उनकी जगह पे रखिए, स्टोर रूम में आप उनको क्लटर मत कीजिए। सबसे पहले जो रुकी हुई टूटी हुई चीज़ें हैं, मैं आपको पहले ही पार्ट में बता चुकी हूँ, आपको घर पे नहीं रखनी है प्रॉस्पेरिटी के लिए। और अगर आपने अपने स्टोर रूम में गोदरेज की अलमारी के साथ ट्रंक रखा हुआ है, ट्रंक बड़े वाले जो ट्रंक होते हैं रखे हुए हैं, बड़ा हो या छोटा हो भाई, गो थ्रू इट वंस अगेन। बेसिकली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रजाइयाँ, कपड़े, कंबल, आपने उसमें जो भी रखे हुए हैं, गर्म स्वेटर्स, जैकेट्स, सबको एक बारी गो थ्रू कीजिए। अगर वो इस सीज़न पहनने वाले हैं कि नहीं है, इस सीज़न आप उनको ज़रूर निकाल के पहनिए। जो आपने अभी तक नहीं पहना है उनको थोड़ा सा शफल कीजिए, और इस विंटर सीज़न उनको ज़रूर यूज़ कीजिए, और डिसाइड कीजिए कि आगे आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि नहीं। स्टोर रूम में अगर आपने बुक्स का क्लटर किया हुआ है, हैवी नॉवल बुक्स या फिर सम एजुकेशनल बुक्स, इंजीनियरिंग बुक्स, पीएचडी बुक्स, आपने कुछ इस तरीके की अगर बुक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की रखी हुई है, उनको एक बारी गो थ्रू कीजिए। अगर वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने कॉलेज में उनको डोनेट कर सकते हैं लाइब्रेरी में, या फिर आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाके उनको डोनेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी नीडी को जानते हैं अपने ही सर्कल में, ड्राइवर के बेटे हों या फिर हाउस हेल्प के बेटे, बच्चे हों, लड़कियाँ हों जो कि इस स्ट्रीम में आगे एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपका बुक्स का क्लटर भी आपके स्टोर रूम से निकल जाएगा और आपका स्टोर रूम में स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट हम अपने स्टोर रूम में रखते हैं यार कपड़े जो हमें छोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, बट हमारे माइंड में होता है यार कभी ना थोड़ा सा वेट लूज़ करके इनको पहनेंगे। वो वेट लूज़ देखो होता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, और अभी तो भाई फेस्टिवल का सीज़न है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप वेट लूज़ कर पाओगे। तो उनको एक बार गो थ्रू कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो किसी नीडी को दे दीजिए, नहीं तो आप एनजीओस के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो लोग आपको आगे गाइड करेंगे कि अगर उनके कांटेक्ट में कोई होगा तो वो वहाँ पे आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कपड़े। जब आप ये डीक्लटरिंग अपने घर की कर रहे थे और आपने कुछ चीज़ें अलग भी रखी होंगी, वो चीज़ें जो आपने अलग रखी हैं और जाके स्टोर रूम में डाल दी हैं ना, उनको एक बारी दोबारा से गो थ्रू कीजिए। दिस इज़ द फाइनल टाइम कि अब आप उनको बाय बाय कर दें एंड उनको अपने घर से निकाल दें। उनमें से जो चीज़ चाहिए वो आप अपनी बैक टू प्लेस रखें, और जो नहीं चाहिए वो आपको बाहर निकालनी है। इस तरीके से आपका स्टोर रूम फुल डीक्लटर हो जाएगा बिफोर दिवाली। और अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो इस वीडियो के साथ स्टार्ट कीजिए, बट बिफोर और आफ्टर पिक ज़रूर क्लिक करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करना, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए आपको डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 7 चाहिए या नहीं। अगर आपके कमेंट्स आते हैं मैं तभी वीडियो बनाने वाली हूँ, बिकॉज एज आई सेड कि भाई मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है डीक्लटरिंग का ब्रह्मा सीरीज़ को आगे पुश करने में, और आपके कमेंट्स से ही मुझे पुश मिलता है। रादर आपको एक चीज़ बताती हूँ भाई, मेरे हस्बैंड रादर मुझे पुश कर रहे हैं कि भाई तुमने नेक्स्ट वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, ही इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन टू डीक्लटरिंग वीडियोज़, पता नहीं फॉर सम रीज़न ही इज़ ऑल्सो वॉचिंग माई वीडियोज़। मैंने कहा आप क्यों वीडियोज देख रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मुझे अच्छा लग रहा है बस मैं इसलिए देख रहा हूँ। So this is what he said. So आप लोग अगर comment कर रहे हो ना, seriously आपका वो comment मुझे एक kick दे रहा है, एक push दे रहा है to make the videos for you guys, to help you guys. So अगर आपको आगे इसका next part चाहिए then please do comment below. अगर comments आते हैं then only I am going to make the next part of decluttering का ब्रह्मास्त्र. I think that is going to be part 7. मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड किए हैं, बहुतों के इश्यूज हैं क्लोथिंग से रिलेटेड कि क्लोथ्स कैसे डीक्लटर करने हैं। गाइज उसका मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, एंड वेन एवर आई गेट द टाइम मैं वो बनाऊंगी, बिकॉज उसमें थोड़े टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मे बी वो वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो तब तक होल्ड ऑन टू इट एंड वो वीडियो ज़रूर आएगा। आई नो दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द डी क्लटर कि भाई कपड़ों पर पैसे भी बहुत लगे होते हैं और कपड़े इस तरीके से फेंके भी नहीं जाते हैं। सो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी जो मैं आपको वीडियोज़ देती जा रही हूँ, जो पार्ट्स देती जा रही हूँ, जो एरियाज़ डी क्लटर के आपको बताती जा रही हूँ, आप वैसे वैसे करते जाइए, एटलीस्ट
क्लोथ्स का सेक्शन आपका लास्ट का बच जाएगा, बट आपका मेजर हाउस डीक्लटर हो जाएगा। सो बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके लिए जब भी वो वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मंडे को 1:00 और थर्सडे को 1:00 वीडियो आ रही है, ट्यूजडे एंड सैटरडे अगेन 1:00 आपको शॉर्ट्स मिलते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बिल्कुल लिट रखना है, एंड फेस्टिवल्स में तो डबल लिट रखना है। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए और बिफोर एंड आफ्टर की पिक्स जरूर सेंड कीजिएगा।